शादी तो छोड़ो, यहाँ पर तो बच्चे का बाप, वो भी। वैसे आई हैव अ सजेशन फॉर यू प्रज्ञा, तुम एक काम करो, तुम इस बच्चे को बिना किसी नाम के पाल पोस कर बड़ा कर लो, और जब ये बड़ा होकर अपने बाप को ढूंढेगा या बोलेगा कि मुझे कोई नाम दे दो ना, तब इसे एक टेम्पररी नाम दे देना, अपने अधूरी प्रेम कहानी का कोई नाम। तुम भाई को प्यार करती हो, भाई का नाम अभिषेक, तुम्हारा नाम प्रज्ञा, तो दोनों का कुछ मिक्सचर टाइप का बना लो ना यार, बहुत फैशन में आजकल, यू नो समथिंग लाइक प्रशेक अभिज्ञा। अब बताइए नाम क्या सोचा है? अभिज्ञा। हेलो हेलो, कहाँ खो गए तुम? अरे मैं मजाक कर रही थी, डोंट टेल मी यू टुक मी सीरियसली। भाई तुम सच में तो नहीं सोचे कि इस टेम्पररी नाम को तुम अपना परमानेंट नाम बनवा दोगी बच्चे के लिए? तुम सच में भाई को इस बच्चे का बाप बना दोगी? कमाल करते हो यार प्रज्ञा, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? वो देखो तनु का केस अलग था क्योंकि मैं उसके साथ थी, लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है, तो फिर कैसे करोगी? और देखो इस हालत में तो भाई को बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे तुम प्रेग्नेंट हो जाओ उनके बच्चे के साथ, तो तुम उन्हें भी बेवकूफ नहीं बना पाओगे। और ये सब कुछ उनसे छिपाया भी गया है, ये भी उन्हें पता है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। तो बेचारी किसी भी हालत में नहीं रही, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गई थी ना, बहुत बड़े बड़े चैलेंज, इतना बड़ा प्रण, ये सब कुछ करके जो तुम गई थी ना, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और उस दिन क्या क्या बोला था इसने तनु? What all did she say? अब यही कि परछाई बन के ये अभी के साथ रहेगी। Exactly, ये परछाई बन के भाई के साथ रहेगी, लेकिन भाई इसके साथ नहीं रहना चाहेंगे। और ये भी कहा था कि हमें हमारी भाषा में जवाब देगी। हाँ अब हमें जवाब देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन हाँ इसे भाई को जरूर जवाब देना पड़ेगा कि बच्चा किसका है। And you know what, आलिया? इसने ये भी कहा था कि ये हम दोनों को सबके सामने एक्सपोज कर देगी और मेरी शादी भी नहीं होने देगी। ये क्या हमें एक्सपोज करेगी तनु? ये तो बेचारी खुद भाई की नजरों में एक्सपोज हो चुकी, ये क्या हमारा सच भाई के सामने लाएगी? इसका तो खुद सच बताने लायक नहीं रहा है। जब भाई को ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, सही से बता नहीं पाएगी, तो भाई से नफरत करेंगे। जस्ट इमेजिन, कौन आदमी एक ऐसी औरत के साथ रहना पसंद करेगा जो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली? क्योंकि अब भाई तुम्हारी आंखों के सामने तनु से शादी करेंगे और तुम्हें थक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल देंगे। सो मिस प्रज्ञा, क्या सोचा है तुमने? क्या है तुम्हारा फ्यूचर प्लान? मैं सजेस्ट करूं, एक काम करो, तुम भाई की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ और इस घर से हमेशा के लिए दूर हो जाओ, हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। ये बीच बीच में हमारी लाइफ को खराब करना बंद कर दो, क्योंकि ये जो ब्रेकिंग न्यूज तुम्हारी यहाँ पर इस वक्त हमने टेलीकास्ट की है ना, ये बहुत ही जल्दी बॉम्ब बनकर पूरी सोसाइटी में फटने वाला है। और ये खबर सुनने के बाद हमारे घर में तो क्या, तुम अपने घर में रहने के भी लायक नहीं रहोगी। भाई को जवाब देने की क्या बात है, तुम तो अपने घर वालों को भी जवाब नहीं दे पाओगी। Which basically means, from now on, no more challenges and no more love story. You know what, आलिया? मैं प्रज्ञा की मम्मी के बारे में सोच रही हूँ, उनका क्या हाल होगा? क्या कहा तुम दोनों ने माँ से? अरे क्या कहना है आंटी जी को, जो सच है वही बताएंगे ना। बस आंटी जी को बता दिया, जो हमें खुशखबरी मिली वो वहाँ हमने उन्हें बता दी, हमने उन्हें बता दिया कि उनकी बेटी माँ बनने वाली है और वो नानी, और वो तो खुशखबरी सुनकर इतनी खुश हो गई कि उन्होंने आगे से कुछ बोला ही नहीं, चुप हो गई बेचारी। क्यों तनु, अनबिलीवेबल, इतनी अच्छी खुशी, मतलब अरे कहाँ जा रही हो तुम, वहां मत जाओ। देखो ये खुशखबरी सुन के आई एम श्योर बेचारी होने वाली नानी माँ तो रुक नहीं पाएंगी, तो वो यहीं पर तुमसे मिलने आ रही, तो तुम यहीं रुको आराम। क्यों तनु? हाँ, और साथ में मिठाई भी लेके आने वाली, लेकिन सबसे पहले ना मैं उन्हीं का मुंह मीठा करवाऊंगी। अरे ये पहली खुशी है जो उनकी खुशी में हम भी शामिल होना चाहते, तो सेलिब्रेट तो पक्का करेंगे। ओ कितना मना किया था बच्चा, बट सुनता कौन है मेरी, चली गई वहां पर। अब वहां जाके पता नहीं क्या क्या अपने आप बोल के आएगी, ऊपर से प्रज्ञा को भी नहीं पता कि वहां आ रही। तो आप प्रज्ञा को फोन करके बता क्यों नहीं देते?
अगर उसको पहले से पता रहेगा तो ठीक रहेगा, वरना वो अचानक माँ को देखेगी तो घबरा जाएगी। और इतनी देर से मैं क्या कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। ऐसा करो, आप ना लैंडलाइन पर फोन करो, अगर कोई भी उठाए आप बोल देना कि प्रज्ञा से बात कर रही है। ठीक कह रही है तुम। हेलो हेलो, जरा प्रज्ञा से बात करवा दीजिए। आप प्रज्ञा की दादी बोल रही हैं? हाँ। कैसी हैं दादी आप? वैसे सरला आंटी ने आपको गुड न्यूज तो दे ही दी होगी, आप परदादी बनने वाली, मुबारक हो। मेरी प्रज्ञा से जरा बात करवा दो। दादी आप कैसी बातें कर रही हैं? प्रज्ञा प्रेग्नेंट है और वो आराम कर रही है, वो ऐसी हालत में यहाँ नहीं आ सकती। उसको बोलो कि मुझे मोबाइल पे फोन करे, मुझे बहुत जरूरी मैसेज देना है। मैसेज देना है? मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगी। ठीक है, उसको बोल दो उसकी माँ वहाँ आ रही है। सरला आंटी, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ऐसी हालत में सबसे पहले माँ को ही आना चाहिए, नहीं? हाँ, बस यही बात उसको बता देना। दादी फिर से ऐसी बात कर रहे हो, अब सरला आंटी आ रही है तो मिठाई गिफ्ट और शगुन ये सब लेके आ रही होंगी ना? एंड आई एम श्योर उन्होंने तो गोद भराई की तैयारी भी कर ली होगी। अब वो आ रही है तो अचानक आके बेटी को सरप्राइज देना और यहाँ पे फुल एंटरटेनमेंट होगा, आई मीन फुल सेलिब्रेशन। और अगर सेलिब्रेशन हो ही रहा है तो क्यों ना थोड़ा अच्छे से किया जाए। ये सारी बातें सुन के ना आपको भी सेलिब्रेट करने का मन कर रहा होगा। तो कोई बात नहीं, आप भी आ जाइएगा। लेकिन हाँ, हेलो हेलो, वाह फोन भी काट दिया बिना कुछ कर। कोई बात नहीं, अरे तुम्हें पता है किसका फोन आया था? मुझे कैसे पता होगा तनु? प्रज्ञा की दादी का फोन आया था, उन्हें प्रज्ञा से बात करनी थी और उन्होंने कहा कि वहां से सरला आंटी यहाँ पे आने के लिए निकल चुकी है। Fantastic, वो यहाँ पर आ रही है। हाँ, चलो अच्छा है, अब उस प्रज्ञा को भाई के सामने बेइज्जत करने की हमें कोई जरूरत नहीं, उसकी माँ ही वो काम कर देगी। आई लव। अरे तुम दोनों यहाँ क्या गप्पे मार रहे हो? मैंने ना वो सरला आंटी को आते हुए देखा है और तुम तो मुझे बड़ा कह रही थी कि तुम्हें उनका स्वागत करना है, तो अब चलो चलो। हाँ चलो चलो, आ जाओ। प्रज्ञा, 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 आवालिया तुम्हारी ट्रिक काम कर गई। तुमने जो प्लान बनाया था उसका बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिला है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं, आपको सिर्फ अभी की चिंता है, अपने पोते की चिंता है, उसकी नाक की चिंता है, उसकी तबीयत की चिंता है, आपको मेरी बेटी की चिंता है ही नहीं। मुझे उसकी चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं उसके साथ गलत क्यों होने दूंगी? आपने उसके साथ गलत किया, उसके साथ गलत हुआ है और मैं ये मान ही नहीं सकती कि आपको पता नहीं है ये। चुप हो जाओ सरला, कुछ भी बोले जा रही हो? कम से कम सुन तो लो कि दीदी क्या कहना चाहती है। अरे सरला, दीदी आप उसे बताते क्यों नहीं? दीदी उसे रोकी है, कहीं गुस्से में जाके वो अभी के सामने कुछ उल्टा सीधा ना कहते। हाँ आंटी जी, हाँ क्या आप रो क्यों रही हैं? बदकिस्मत, बदकिस्मत बेटी की माँ हूँ इसीलिए रो रही हूँ। आपको तो पता होगा ना कि वो प्रेग्नेंट है। हाँ डॉक्टर ने बताया। फिर भी एकदम आराम से बात कर रहे हैं आप, दोस्त कहते हैं ना उसे, उसके साथ नहीं खा। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है, इतनी बड़ी बात हो गई तब भी सब ऐसे ऐसे नॉर्मल क्यों है? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं आप ये तो नहीं कहने वाले कि आपको पता ही नहीं है कि ये सब कैसे और कहाँ हुआ? अरे ये तो सीधे सीधे अभी को ब्लेम कर रही है, ये एंगल तो मैंने भी नहीं सोचा था। दीजी मुझे खुद नहीं पता, मुझे भी तो अभी अभी पता चला है, मैं खुद अपसेट था। आपके जितना गुस्सा नहीं था लेकिन नाराज था मैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो और इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छुपाई। आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता था? ठीक है, एक दोस्त होने के नाते कम से कम आप उसके साथ तो खड़े हो जाते, ये सब अकेले तो नहीं किया ना उसने। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।